मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के रहने वाली एक बुजुर्ग महिला मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अपने एक प्लाट पर कब्जा किए जाने वालों से प्लाट को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर गुहार लगाई। पीड़ित महिला ने बताया कि मोहल्ला सिविल लाइन दक्षिणी निकट गंगाराम हॉस्पिटल सदर बाजार मुजफ्फरनगर में एक प्लाट का बैनामा 27 जून 1980 को क्षेत्रफल 75 वर्ग गज तथा दूसरा प्लाट 11 अगस्त 1982 को 70.70 वर्ग गज के मालिक व काबिज थे। प्रार्थियों के पति लक्ष्मण सिंह थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 2 फरवरी 2006 को हो गई। मृत्यु के बाद से ही प्रार्थियां इन दोनों प्लाट पर, जिनका क्षेत्रफल 71.52 वर्ग गज की मालिक व काबिज रही है और वर्तमान में भी है, प्रार्थियों के इन प्लाटों पर बिना किसी कानूनी अधिकार के, बिना किसी मालिकाना हक के जोर जबरदस्ती से अनुज पुत्र राकेश कुमार पुत्र अमरनाथ बंधु पर आरोप लगाते हुए कब्जा खाली कराए जाने की गुहार लगाई है। मेरा नाम हरकौर है। आईडीएम कार्यालय पे आई हैं, क्यों आई हैं, क्या समस्या है? जी डीएम कार्यालय पे जो आई हैं आप, क्यों आई हैं? ये ऊंचा जी आज के मारो आई मैं मुझे सामने। अच्छा माता जी, इतने दिनों से कब्जा कर रखा है, कहाँ थे आप लोग? जी हम गरीबत में थे, तो फेरा मारो जाते हैं, फेरा मारे थे, बाकी मारा बनाने का भी जाते हैं। अब क्या चाहते हो आप? अब तो हम लोग चाह रहे हैं जी मारा प्लॉट हमें मिलना चाहिए। अगर प्लॉट नहीं मिलता या कोई और कारण आता है, अगला कदम क्या होगा आपको? जी अगला कदम तो सरकार ही करेगी। इनका नाम हरकौर है, ऐसी समाज से है और ये मेरे पास आई थी कि इस तरह से मेरा प्लॉट है गंगाराम हॉस्पिटल के पास में, जो कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं इधर उधर भटक रही हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वहाँ पे काम चल रहा है। जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे भी उन्होंने उल्टा सीधा बोला और ये कहा कि चमारी तरह यहाँ कुछ नहीं लगता और ये प्लॉट हमारा है। लेकिन अम्मा बोली कि आप जो है कागज़ दिखाइए, कि हम तुझे कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जिसको कागज़ दिखाने होंगे दिखा देंगे और हम इस पर जो है काम कराना बंद नहीं करेंगे। अब हम लोग गए महोदय डीएम साहब के पास में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है कागज़ दिखाइए। हमने सारे कागज़ दिखाए इनके, इनके कागज़ बिल्कुल सही निकले। जब उनसे कहा कि आप कागज़ दीजिए, उनसे तलब किया गया तो वो कागज़ नहीं दिखाते। ये बताइए कि जिस बंदे का प्लॉट होता है तो उसके पास क्या कागज़ नहीं होते? वो तो अगले दिन या उसी दिन प्लॉट के कागज़ लेके आते और कहते कि देखिए मेरे पास कागज़ है और ये देखिए ये गलत बोल रही है। वो 1.5 महीने तक तो कागज़ नहीं लाए, जब उन पर दबाव दिया गया तो पता नहीं उल्टे सीधे बनवा के कागज़ वो उन्होंने वहाँ पे पेश किए। हमने जब उनको पढ़ा तो उसमें कुछ खामियाँ पाई गई और जिस पे हमने सवाल जवाब करे तो उनसे कोई सवाल जवाब का हमारे जवाब नहीं बना। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे टाइप करा के लाए कागज़ और उनको जो है फिर पेश किया गया। एक बात बताइए, एक प्लॉट के क्या 2 बैनामे हो सकते हैं किसी के पास? डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? तो अब हम दोबारा डीएम साहब के पास आए थे तो जब तो काम रुक गया था, क्योंकि एक प्राधिकरण ऑफिस में भी जब वो किसी शहर के बीच में गंगा राम हॉस्पिटल जो सदर बाजार है वहाँ पे नक्शा पास होके दुकान या मकान बनाया जाता है, उसका नक्शा पास कराए बिना वो वहाँ पे काम करा रहे थे दबंग तरीके से। हमने वहाँ पे उनकी एप्लीकेशन लगाई तो वो वहाँ से आए प्राधिकरण ऑफिस से, उन्होंने कहा कि आप नक्शा दिखाइए, ये बिना नक्शे के आपकी दुकान नहीं बनेगी, तो वहाँ पे हमने काम बंद करा दिया। अब कुछ दिनों के बाद 2-3 महीने के बाद फिर इन्होंने काम जोड़ दिया वहाँ पे। हम लोगों ने फिर एप्लीकेशन दी, वहाँ से प्राधिकरण से आए, उन्होंने कहा कि आप जो है ये काम क्यों करा रहे हो जब आपने क्या नक्शा पास ही नहीं कराया। तो उन्होंने एक हाथ से बना हुआ नक्शा उनको प्राधिकरण वालों को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये तो हाथ का बना हुआ है, इस पर मोहर भी नहीं है। ये कितने गज का प्लाट है? 71 गज कुछ पॉइंट का इनका प्लॉट। कितने दिनों से कब्जा किया हुआ? उन्होंने मेरी हाल से 8-9 साल से कब्जा कर रखा। अब किस मांग को लेके आए, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इन इस गरीब का जो है प्लॉट इनको दिया जाए। देखिए ये ऐसी समाज से, ये गरीब है, इनके 2 बेटे हैं और जो रक्षा चलाते हैं, अब ये बताइए कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं या अपने बच्चों को खिलाने का काम करें। हम चाहते हैं, हम सारे जो ये आज एकजुट होकर आए हैं डीएम महोदय से मिलने के लिए, कि इनको इंसाफ दिया जाए और इनका जो है इनका प्लॉट इनका कब्जा मुक्त कराया जाए। और दूसरी बात ये कि हमारे योगी जी कहते हैं
कि मैं जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे दुकान हो, मकान हो, ज़मीन हो, मैं उसको कब्जा मुक्त कराऊंगा। तो हमारी उनसे अपील है कि ये भी एक गरीब है, ऐसी समाज से एक दबंग आदमी ने जो है इनका प्लॉट कब्जा कर रखा है, उसको कब्जा मुक्त कराया जाए, इनका प्लॉट इनको दिया जाए।